एक बार की बात है कि एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी लेकर के चिलम बना रहा था। अब बनाते बनाते अचानक उसको ख्याल आया, मन में हुआ कि गर्मी का दिन आ रहा है, लोग पानी पिएंगे, चलो सुराही बनाते हैं। ऐसा सोच करके वो चिलम बनाना छोड़ करके सुराही बनाता है। कुम्हार की पत्नी देखती है और वो पूछती है अपने पति से कि आप तो चिलम बना रहे थे, ये सुराही कैसे बना लिए? उसने कहा, उस कुम्हार ने, कि विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। उधर से सुराही की ओर से आवाज आई, उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो विचार ही बदला। तुम्हारा क्या बदला? सिर्फ विचार ही बदला, और मेरा तो जीवन ही बदल गया। कैसे जीवन बदल गया? यदि मैं चिलम बनती तो आग मेरे भीतर भरा जाता, आग में तपती और दूसरों को भी तपाती, किंतु अब चिलम न बनकर मैं सुराही बन गई हूं। मेरे भीतर शीतल जल रहेगा और लोगों को भी मैं शीतल जल प्रदान करूंगी। मैं खुद शीतल रहूंगी और साथ साथ जो मेरे समीप आएगा उनको मैं शीतल जल प्रदान करूंगी। यहां पर हुआ कुछ नहीं, आदमी वही है बनाने वाला। चिलम बन रहा था, बन गया सुराही, तो बनाने वाला कुम्हार और बनने वाले वस्तु मिट्टी से, और जो बना वो सुराही। कहने का मतलब ये है कि एक कुम्हार का मन बदला और चिलम से मिट्टी का आकार सुराही में परिवर्तित हो गया। यहां पर हुआ क्या था, कुम्हार ने अपना विचार बदला था और मिट्टी की जिंदगी बदल गई। कबीर साहब कहते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाए, विचार करोगे तो सारे दुख से मुक्त हो गए। विचार नहीं करते हो इसीलिए आज तक दुख भोग रहे हो। कभी विचार किया कि हमें मानव जीवन क्यों मिला हुआ है और मानव जीवन पाकर के हमें क्या करना चाहिए? कभी विचार नहीं किया। जीवन में सत्संग मिला हुआ है तो चलो सत्संग में थोड़ा समय दे दे, ये विचार हुआ? नहीं हुआ। कहीं अच्छा सा सदग्रंथ पढ़ ले, हमें पढ़ने के लिए बुद्धि मिली हुई है, देखने के लिए नेत्र मिला हुआ है, सुनने के लिए कान मिले हुए हैं, कभी विचार हुआ कि ये सब काम हम कर ले? नहीं हुआ। हुआ तो क्या हुआ? गलत विचार हुआ। इसलिए संत कहते हैं कि यदि विचार बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि विचार पर ही ये हमारा जीवन खड़ा होता है, और जैसा विचार होता है वैसे हमारे भीतर कर्म बनते हैं। जो हम विचार करते हैं, जो सोचते हैं, संत जन कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वह विचार बनता है, और जो विचार हमारे जीवन में आता है वो कर्म में उतरता है, और जब कर्म में उतरता है तो वो फल देता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। अब भीतर कैसा विचार आया है? मलिन विचार आया है कि शुद्ध विचार आया है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन अधिकतर लोग मलिनता में ही, मन के बुराइयों में ही डूबे रहते हैं, और इसी का परिणाम होता है जीवन में दुख, अशांति, क्लेश। इस संसार में बहुत कुछ मिला है हमें, फिर भी हमारे भीतर कमियां हैं। हमें लगता है कुछ और मिलना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, बस और की चाह हमें, ये जो जीवन मिला हुआ है ये निकल जाता है हाथ से। जैसे अंजलि में पानी लेते हैं और धीरे धीरे एक एक बूंद करते करते अंजलि के पानी हाथ से निकल जाता है, वैसे ही ये हमारा जीवन घड़ी दो घड़ी करके, एक दिन, एक महीना, एक साल,
दस साल बीस साल ऐसे करते करते हमारा जीवन बीतता जा रहा है और हम अभी तक बेहोश के बेहोश पड़े हुए हैं। आज संतजन हमें जगाने आए हैं कि जागो, सवेरा हो गया है, कब तक मोह निशा में सोए रहोगे, कब तक अज्ञान के नींद में सोए रहोगे, बहुत सो लिए, अब जागो, अब जागने का अवसर आया है, अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे। सदगुरु कहते हैं कि अब के चेते, अब चेत जाओ, जो अब नहीं चेता तो फिर क्या होगा, जाय परे भव चक्र में सहे धनेरी लात। जो मानव जीवन में नहीं चेता, नहीं संभला, फिर उसके लिए क्या होगा, फिर वो जाएगा 84 में और सहे धनेरी लात, अर्थात दुखों का अंबार उसके जीवन में हो जाएगा। आज पशुओं को देख लो, क्या उसके जीवन में स्वतंत्रता है, क्या उनके जीवन में सुख है, नहीं है। वो परतंत्र है, अपने कर्म के वश वो बंधा हुआ है। जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे आप विचार कर सकते हैं, जैसा आप जीवन जी सकते हैं, पशु वैसा नहीं जी सकता। आप चाहेंगे, आपके पास साइकिल है तो आप मेहनत करके मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद बना सकते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, महल खड़ा कर सकते हैं, अपनी मेहनत से आप इसमें स्वतंत्र है। लेकिन पशु ये सब नहीं कर सकता। उन्हें जो जीवन मिला है, अपने जीवन अवधि तक वो जीवन को जिएगा, जो उसके लिए प्रकृति में उपस्थित भोजन की सामग्री है उसी को वो ग्रहण कर लेगा और अपने जीवन अवधि को जी करके इस संसार से विदा हो जाएगा। ना वो सत्संग कर पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कथा कीर्तन कर पाएगा, उसके पास ये क्षमता नहीं है, परंतु मानव के पास क्षमता है। इसलिए संतजन कहते हैं कि ये जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा सुखमय है, इसे तो हमने ही दुखमय बना लिया है, इसे तो हमने ही अपने गलत विचारों से गंदा बना लिया है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचार को बदलें। विचार बदल गए तो फिर जीवन आसान से बदल जाएगा। आज जिस कारण से हम दुखी हैं वो विचार तो है, घर में एक दूसरा से जो लड़ाई है, एक दूसरे में द्वंद है, चाहे सास बहू के बीच हो, अड़ोसी पड़ोसी के बीच हो, चाहे किसी के बीच हो, जो द्वंद मचा है वो विचार के ही कारण है। महाभारत का युद्ध कहां से शुरू हुआ था, एक विचार से, एक मन में उठे तरंग से। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन के भीतर में वो बात गई, विचार करने लगा, मेरा इतना बड़ा अपमान, द्रौपदी ने मुझे कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। यहीं पर महाभारत की भूमिका तैयार हो गई थी और वो एक शब्द दुर्योधन के विचार को बदल दिया और वो इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई, बड़ा युद्ध हुआ, आपस में भाई भाई कट के मर गए, आपस में स्वजन परिजन युद्ध में मर गए, बचा कुछ नहीं। कहां से शुरू हुआ था, एक मन के तरंग से, एक छोटी सी मन के भीतर गए हुए विचार से। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ध्यान न दे, यदि गलत बात बोल रहा है तो। गांधी जी के तीन मंदिर के बारे में आप सब सुनते हैं,
तीन बंदर हैं और तीनों एक अपने मुख पर उंगली रखा है, दूसरा अपने आंख पर हथेली को रख करके आंख बंद किया हुआ है और तीसरा अपने कान को बंद किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम मुख से बुरे विचार या बुरे वाणी किसी को ना कहें और आंख से किसी बुराई को ना देखें और कान से किसी की बुराई को ना सुनें। लेकिन होता क्या है, हम अधिकतर बुराइयों को ही सुनने में रुचि रखते हैं। कहीं आपस में दो महिलाएं चर्चा कर रही है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी ज्यादा हो सके हम उसकी बुराई सुन लें और इसकी बहू को जा करके बता दें ताकि जो है आपस में घमासान हो जाए, बड़ा आनंद होगा। आदमी को एक दूसरे लड़ाने से, एक दूसरे को लड़ाने से बड़ा आनंद मिलता है। कहीं समझौता की बात करने के लिए आदमी बहुत कम जाता है, मराने बुझाने के लिए कम जाता है। गलती जहां आग लगी है वहां आग लगाने के लिए और दौड़ता है। तो जहां एक दूसरे की बुराई की चर्चा हो रही है ना हम उसे सुने और ना किसी को कहें। यदि कहना है, यदि सुनना है तो सत्संग की बात सुने, देखना है तो संतों गुरुजनों का प्रवचन देखें सुने, सदग्रंथों की वाणी बोले, ये हम करें तो ये हमें जीवन में सुख देगा, आनंद देगा, शांति देगा। लेकिन हमने किसी से बुरा सुन लिया, किसी की बुराई देख लिए, किसी के बारे में बुरा बोल दिए तो फिर सारा काम वही चौपट हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर के विचार को बदलें कि हमें आज से किसी की बुराई नहीं सुननी है, ना किसी की बुराई नहीं, हमें देखना है तो अच्छा ही देखना है। ये विचार बदल गया तो समझिए जीवन बदल गया और जीवन जैसे बदला समझिए सुख अपने आप भीतर समाहित हो जाएगा। जैसे कि एक गुफा में हजारों सैकड़ों वर्ष से अंधेरा हो और उस अंधेरे को मिटाने के लिए हजारों सैकड़ों का वर्ष नहीं लगेगा, बस एक बार हम माचिस की तिली जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, तुरंत ही प्रकाश हो जाएगा। हमारे जीवन की भी यही दशा है। जन्मों जन्मांतर से, अनादि अनंत काल से विकारों का अंधकार, अज्ञानता की अंधकार भीतर में छाया हुआ है। यदि सत्संग का जरा सा प्रकाश मिल जाए तो इस जीवन में रोशनी ही रोशनी, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख होगा। इसलिए संतजन, जो संत होते हैं, जिसका मन तन मन कर्म पवित्र होता है, कथनी और करनी की एकता होती है, ऐसे पवित्र जीवन के संत इस जीवन में आनंद से जीता है, सुख से जीता है। महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उनके पास सारे राज काज, हाथी घोड़े, सारे वस्तुएं थी, तब तक वो सुखी नहीं था। तब तक उसे ये संसार की चीजें काटने दौड़ती थी। लेकिन जब सारे चीज को छोड़ दिया, उन्होंने विचार बदल दिया कि इन प्राणी और पदार्थों में, सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है, उन्होंने सत्संग का ज्ञान का दीपक अपने भीतर जलाया। उन्होंने अप दीपो भव को अपने भीतर प्रकट किया और जैसे ही भीतर ज्ञान का दीपक जला, भीतर उजाला हो गया, सुखमय हो गया, फिर संसार की वस्तु एक तरफ धरी की धरी रह गई और वो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध हो गए। तो हम में भी
वो बुद्ध होने की, कबीर होने की, राम होने की, कृष्ण होने की क्षमता हमारे भीतर है, लेकिन उस क्षमता को, उस अंकुर को, उस बीज को अंकुर होने का समय तो दे। यदि हम समय दे देते हैं, हमारे भीतर की संभावनाओं को हम प्रकट कर लेते हैं, तो हम भी सुखी हैं। संत जन इसी संसार में रहते हैं, आप भी इसी संसार में हैं, किंतु संतों के जीवन में सुख क्यों है, आपके जीवन में दुख क्यों है, विचारने वाली बात है। क्योंकि संत अपने विचार को बदले हैं। जैसे मैंने कहा, सद्गुरु कबीर साहब ने अपने पद के माध्यम से कहा कि करो विचार तो सब दुख जाए, विचार करो कि जीवन में दुख क्यों है, तो दुख समाप्त हो जाएगा, और नहीं विचार करोगे तो दुख जैसा का तैसा बना रहेगा, जीवन में अशांति छाई रहेगी, एक दूसरे से द्वंद्वात्मक जिंदगी चलता रहेगा, और अंत में कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हमें कुछ यहाँ से पा करके जाना है, और पाना क्या है, अपने भीतर के आत्मधन, सत्संग के धन, बाहर का धन छूटेगा, साथ नहीं जाएगा। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तो जो साथ जाने वाले हैं, ऐसे धन का पता कहाँ मिलेगा, इसी सत्संग से, इन्हीं संत गुरु के चरण में, तो ये जीवन बड़ा ही सुखमय, आनंदमय और शांतिमय है। यदि विचार बदल गया तो, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। तो हमें यही काम करना है कि अपने विचारों पर नियंत्रण करना है, अपनी दृष्टि को बदलना है, और बदल करके अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाना है, और हम सबको ये काम करना है, तभी मानव जीवन पाना सार्थक होगा, सत्संग सुनना सार्थक होगा। और हर आदमी जितने यहाँ बैठे हैं, वे सब सुख के अधिकारी हैं, सब लोग अपने अधिकार को पाने का प्रयत्न करें और उपाय करें, यतन करें, जतन करें, जो भी उपाय से हो अपने जीवन में सुख और शांति को लाने का ही काम करें। बस इतना ही कहकर अपने वाणी में विराम, बोलिए सद्गुरु देव की जय।